तो मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ऐसी मुन्नी किसको चाहिए, यानी कि ऐसी दुल्हन किसको चाहिए जो कि खुद पैग बना बना के अपने मुन्ने राजा को पिलाए। क्या करना दोस्तों, इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। शादी में फेरे हो रहे थे और दूल्हा देखो दे दनादन फेरे लिए जा रहा है। मुन्नी बोलते हैं कि अबे दूल्हे रुक जा, मुझे सांस तो लेने दे। लेकिन मुन्ना तो यार बिल्कुल फॉर्म में है, बोलता है कि आज 10-12 फेरे ले ही लेंगे ताकि बिल्कुल मजबूत रिश्ता बन जाए और मेरी प्यारी प्यारी मुन्नी मुझे छोड़कर ना जाए। और यहाँ पर देखो यार, विदाई हो चुकी थी और मुन्ना मुन्नी को लेकर घर जा रहा था। तभी मुन्ने के दोस्त उसको रोकते हैं और रंग बिरंगे गाने सुनाते हैं, यानी कि बोलते हैं कि दूल्हे राजा अब तेरी जिंदगी खत्म है। देखो यार क्या क्या सुना रहे हैं। सोचते हैं वो कितने मासूम थे, सोचते हैं वो कितने मासूम थे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, शादियों में लड़कों के साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है, यानी कि मुनियाँ बिल्कुल तैयार शार होती हैं, मेकअप वेकअप करती हैं और बिल्कुल सुशीली बन जाती हैं। और लड़के देखो दोस्तों, वो तो यार कच्चा बनियान में बिल्कुल काम करते करते पगला जाते हैं, सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्या करना दोस्तों, दुनिया की यही रीत है, साला बहुत जालिम है दुनिया। खैर दोस्तों, लगता है कि इसके लिए धरना लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, भाई साहब बिल्कुल उछल उछल कर बिल्कुल बढ़िया डांस कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं कि अखियों से गोली मारे। देखो यार कैसे गोली चलाई जा रही है, पीछे के लोग बिल्कुल घायल हो चुके हैं। अरे हाय अंकल जी, क्या बात है, अखियों से गोली नहीं दोस्तों, अपने हथियों से यानी कि हाथों से ही गोली चलाई जा रही है। और भाई साहब ने सभी बारातियों को बिल्कुल घायल कर डाला, घायल। और आखिर में ये जो तूफानी डांस किया ना अंकल जी, क्या कहने आपके, आप तो बिल्कुल स्टार हो, आपकी तो गांव के चौराहे पर मूर्ति बननी चाहिए। और यहाँ पर देखो, सांड जी आए हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, यानी कि घुस गए मॉल में। और देखो देखो यार, बिल्कुल आतंक मचा रखा है। अरे सांड जी, क्या पहनोगे, पैंट कोट या फिर लाल लाल लहंगा पहनोगे? आप चाहे कुछ भी पहनो, लेकिन शूज बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए और जुराबे भी। लेकिन सांड जी मॉल में कैश नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पर कैश कार्ड या गूगल पे भी नहीं चलता, सिर्फ यहाँ पर सींग पे चलता है। सीधा सींग मारेंगे और सब कुछ उठा कर ले जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी मुन्ना मुन्नी की शादी हो रही थी, लेकिन दोस्तों यार दोस्त ही है, यानी की दूल्हे को बिल्कुल डिमोटिवेट किया जा रहा है की बहुत रोएगा पछताएगा। देखो यार क्या क्या कह रहे हैं। आए हाय दोस्तों, एक बार को तो दूल्हा भी पछता रहा होगा, क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं झाड़ू पोछे यार बहुत कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग यार शादी करके पछताते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शादी नहीं होती। यहाँ पर देखो, इसकी भी शादी नहीं हो रही थी और देखो देखो यार बिल्कुल मूर्ति को ही यानी कि स्टैचू को ही हार पहनाए जा रहे हैं। अबे हार तो हार पापा पप्पी क्यों ले रहा है? यार कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, अबे इसी हरकतों की वजह से तुम्हारी शादी नहीं होती। और यहाँ पर देखो यार, मुन्नी मुन्ने को खिला रही थी, लेकिन मुन्नी देखो यार बिल्कुल गुस्से में है। अबे मुन्नी क्या हो गया तेरे को? और दूल्हे की तरफ देखो, बिल्कुल परेशान है। अरे मुन्नी, अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो यहाँ पर ऐसी तैसी क्यों कर रही है, खुद की तो ऐसी की तैसी करवा रही है, साथ में मुन्ने की भी करवा रही है। शायद यार मुन्नी अपने आप को ऐश्वर्या राय समझ रही होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दो, कोसाने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको। मजा आया।